नमस्कार दोस्तों, हमारे और एक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पार्सल्स आप देख रहे हैं, ये है कूलेंट के पार्सल्स। ये कोई बोदमा से मंगवाए, कोई अमेजोन से मंगवाए और कोई लोकल में ख़रीदा है। तो आज कूलेंट के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, कौन सा कूलेंट कैसा आपके गाड़ी में यूज़ करना है, ये आज इस वीडियो में हम लाइव टेस्ट के साथ देखेंगे। कूलेंट के ऊपर बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में बन चुके हैं। एक यूट्यूबर और मैकेनिक नोएडा से है, जिसके सब्सक्राइबर अभी 1 मिलियन तक होने को आए हैं। वो कहता है कि प्योर कूलेंट गाड़ी में डाल दो। और उसके ऑपोजिट एक और दो यूट्यूबर है मशहूर, वो भी मशहूर यूट्यूबर है, उनके भी सब्सक्राइबर 3.5 लाख के ऊपर चले गए हैं। ये दोनों कहते हैं कि कूलेंट में पानी मिक्स कर देना ही चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम किसी के उलट कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ टेस्ट करके दिखाएंगे आपको कि कौन सा कूलेंट में कितना डेंसिटी है और कौन सा कूलेंट कैसा यूज़ करना है। ये वीडियो देखने के बाद आप ही ठहरा देंगे कि आपके गाड़ी में कौन सा कूलेंट कैसा यूज़ करना है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ टेस्ट करके दिखा दूँगा। मैं भी बहुत सारे यूट्यूबर्स का सब्सक्राइबर हूँ और मैं भी बहुत सारे वीडियो देखता हूँ यूट्यूब में। उनके वीडियो कूलेंट के ऊपर 2 साल पुराने हैं। 2 साल पहले मैं भी ये वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने वीडियो बनाया है लेकिन कोई टेस्ट करके नहीं दिखाया है, ऐसा ही मुँह से ही समझाया है, लेकिन मैं इस वीडियो में लाइव टेस्ट करके दिखा दूँगा आपको। ये पहला है वैल्यू का और दूसरा है हेल्ला का। ये दोनों कंपनी यूरोपियन है। तीसरा है कैस्ट्रोल का, ये 500 ml है, बाकी सब 1 लीटर के है। और चौथा है बॉश का। पांचवा है उर्त का, ये भी जर्मन है। मोटुल का ये जो कूलेंट है, ये प्री मिक्स कूलेंट है, इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही डाल सकते हैं आप। तो इन सब का आज टेस्ट कर देते हैं और इन सब कंपनी का कारनामे भी क्या है हमारे देश में, ये भी आप समझ जाओगे इस वीडियो में। तो ये टूल है मेरे पास। इस टूल का काम है, जो भी मटेरियल कंपनी दावा करते हैं इस्तेमाल किया है कूलेंट में, उसका कॉन्सेंट्रेशन मापना। इसको कहते हैं रिफ्रेक्टोमीटर। तो मैं आपको कैमरे के सामने इसका रीडिंग दिखाता हूँ। रीडिंग दिखाना थोड़ा मुश्किल है, कैमरा फोकस होना चाहिए। तो अभी देखो, ये इसका रीडिंग है, 30% तक दिखा देगा इसमें, कोई कोई इससे ज़्यादा भी दिखाता है, लेकिन मेरे पास यही टूल है अभी। जब कोई रीडिंग नहीं है तो ये पूरा ब्लू दिखा देगा, और जब रीडिंग दिखा देगा तो उसका रीडिंग वाला पार्ट वाइट होता जाएगा। सबसे पहला हम इस डिस्टिल वाटर को टेस्ट करते हैं, इसका रीडिंग कितना दिखाता है। इसका रीडिंग 0 दिखाना चाहिए, क्योंकि ये भी प्योर वाटर है। डिस्टिल वाटर की कोई बड़ी कंपनी नहीं होती है, लोकली जो मिलता है वही आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसमें कितना प्योरिटी है ये निर्भर करता है बनाने वाले के ऊपर। अगर बनाने वाले ने इसको प्योर डिस्टिल नहीं किया तो आपके रेडिएटर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोलाइट जल्दी बन जाएगा और रेडिएटर और गास्केट में जंग पकड़वा देगा। डिस्टिल वाटर के 2 बूंद इस टूल के ऊपर डाल देते हैं और देखते हैं इसका रीडिंग क्या आता है। इस दोनों ग्लास के ऊपर बराबर लगना चाहिए। इस कैप को बंद करके अब कैमरे के सामने मैं दिखाता हूँ आपको रीडिंग। ये टूल डिस्टिल वाटर की प्योरिटी माप नहीं सकता। तो देखो, रीडिंग 0 आया, क्योंकि इसमें इस पानी में कोई सब्सटेंस मिक्स नहीं है, इसलिए 0 दिखा रहा है। डिस्टिल वाटर को रख देते हैं साइड में और लेते हैं वैल्यू का कूलेंट। इसको खोलते हैं, इसका सील आपके सामने तोड़ देता हूँ। वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ बीच बीच में, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इस टूल का ग्लास को पहला क्लीन कर देते हैं और ये वैल्यू का कूलेंट उंगली से इस ग्लास के ऊपर लगा देते हैं। रेड कूलेंट है ये। तो अभी देखो कैमरे में, तो इसका रीडिंग आया 10, 11, 12, 13, 14 रीडिंग आया इसका। इसमें जो कूलेंट का पार्ट है वो 14% ही है, बाकी का सब पानी है। तो इसको रखते हैं साइड में, अभी लेते हैं हेल्ला का।
अभी देखो इसका रीडिंग, इसका रीडिंग 5-6% ही आया है। हेल्ला का इसको रखते हैं साइड में। अभी लेते हैं बॉश का, बॉश का ये ग्रीन कूलेंट है। और बॉश का देखो 15% आ गया रीडिंग। अभी लेते हैं कैस्ट्रॉल का, कैस्ट्रॉल का ये ग्रीन कूलेंट है। इसमें उंगली डालते ही उंगली को थोड़ी गर्मी एहसास हुई, लगता है मुझे ये कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा है। ओहो, इसने तो कमाल कर दिया, इसका रीडिंग तो 40 के ऊपर ही गया होगा क्योंकि ये पूरा फुल रीडिंग दिखा रहा है। इसको पूछ के और एक बार टेस्ट करते हैं मन की तसल्ली के लिए। तो फिर से देखो सेम रीडिंग दिखा रहा है, तो इसका मतलब एक ग्रेट निकला अपना कैस्ट्रॉल का। अभी लेते हैं उर्त का, तो देखो उर्त का रीडिंग 11-12% आ गया। ये है मोटुल का, ये पहला थोड़ा खोला था मैंने चेक करने के लिए, और ऐसे दो डब्बे भी पड़े हैं मेरे पास घर में। तो लेते हैं इसका टेस्ट। ये मोटुल का प्री मिक्स कूलेंट है, इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। प्री मिक्स जो कूलेंट होते हैं ये थोड़ा महंगा होते हैं और अच्छे होते हैं। और इसने भी कमाल कर दिया, ये 30% तक दिखा रहा है। ये मोटुल का डब्बा इसके साथ में ये लाए थे 3, ये घर में पड़ा था मैंने दिखाने के लिए लाया। ये सील्ड है पूरा, तो इसको साइड में रखते हैं। और एक भी कूलेंट है मेरे पास गोल्डन क्रूजर कंपनी का इको सेफ करके, इसका भी टेस्ट हम ले लेंगे। एक यूट्यूबर का इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा है, उसने वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर हाथ में लेके, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो लेते हैं इसका भी टेस्ट। और इसका रीडिंग अभी देखो कैमरे में, तो इसका रीडिंग गया 5-6-7-8% तक गया है गोल्डन क्रूजर का इको सेफ। ये रहे आपके सामने इन कूलेंट के कारनामे जो हमने अभी चेक किए थे। तो सबसे ऊपर है कैस्ट्रॉल, दूसरा है मोटुल, तीसरा है बॉश, वैल्यूओ, उर्त, गोल्डन क्रूजर और लास्ट में है हेल्ला। सो मैंने इनका रैंकिंग कर दिया है आपके सामने। फर्स्ट में है अपना कैस्ट्रॉल, सेकंड में है मोटुल, बॉश, वैल्यू, उर्त, गोल्डन क्रूजर और हेल्ला। कैस्ट्रॉल ने लिखा है कूलेंट कॉन्सेंट्रेट फुल एंटी फ्रीज, इसको तो हम मानते हैं क्योंकि इसने रीडिंग ही ऐसा दिखाया है। ये है मोटुल का कूलेंट, ये मोटुल का प्री मिक्स कूलेंट है, इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है और इसके ऊपर एंटी फ्रीज भी लिखा है, शायद ये एंटी फ्रीज भी है क्योंकि इसका रीडिंग बहुत ही अच्छा आया है। एंटी फ्रीज का भी टेस्ट कर लेंगे हम दूसरे वीडियो में।
तीसरे नंबर पे आता है बॉश का। बॉश का रीडिंग 15 निकाला है। बॉश ने लिखा है कंसंट्रेशन 1:7 रेशियो और पीछे लिखा है एंटी फ्रीज भी है ये। वाह वाह क्या बात है, बॉश की रीडिंग निकाला है 15% और ये एंटी फ्रीज भी है और इसका रेशियो 1 लीटर में 7 लीटर मिलाना पानी। इतना पानी मिलाने के बाद इसकी परसेंटेज क्या रह जाएगी, एंटी फ्रीज प्रॉपर्टीज़ कुछ बचेगी क्या इसमें, आप ही सोचो और कमेंट करके बताएं मुझे नीचे। अभी हम इन दोनों को एक साइड में रखते हैं और इन सबको एक साइड में रखते हैं। इस कूलेंट में कैस्ट्रॉल के कूलेंट में आप 50-50 रेशियो कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सनट्रेट है जैसे इन्होंने बताया वैसा। इसकी कीमत भी ज़्यादा है, ये आधा लीटर ही है, ये आधा लीटर का रेट देखो 269 है। बाकी के जो साइड में रखे हैं इनके 1 लीटर की कीमत इतनी होती है। और ये प्री मिक्स है मोटुल का, इसकी भी कीमत ज़्यादा नहीं है, 215 रुपया पर लीटर है। ये भी आप डालते हैं तो 1-3-4 बॉटल ऐसे ही डालने पड़ेगा आपको, लेकिन बहुत फ़ायदेजी रहे। ऐसा कूलेंट आप डालते हैं तो 2 साल के बाद भी आप ड्रेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट जल्दी नहीं बनेगा। जिस कूलेंट में हम पानी या डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं उसमें डिस्टिल वाटर कितना डिस्टिल किया हुआ है, कितना डीमिनरलाइज्ड किया है ये तो मालूम नहीं होता है। उसमें इलेक्ट्रोलाइट जल्दी बनने का चांसेस होता है, इसके लिए जिसमें भी हम डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं उसको 1 साल के अंदर ड्रेन करना चाहिए। अब बात करते हैं इनकी, जिनका रीडिंग बहुत ही लो मिला है। दोस्तों ये सब कंपनी हमारे देश में कैसे मनमानी करते हैं आपने देख लिया। हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि इन कंपनी के ऊपर कोई गदा डाल दे, ये तो ग्राहक को लुभाते हैं। देखो आपकी समझदारी है, अगर आप ऐसा कूलेंट डालते हैं तो इसको प्योर ही डाल देना ठीक रहेगा, कोई डिस्टिल वाटर मिलावट किए बिना, क्योंकि इसमें कूलेंट की मात्रा जो है बहुत ही कम है। अगर आप ये इसको पूरा ऐसे ही डाल देंगे तो आपकी कूलेंट की मात्रा शायद बढ़ जाएगी। अगर आप ठंडे इलाके में से हो तो ये कूलेंट बिल्कुल ही नहीं चलेगा। अगर ये कूलेंट आपने पानी के साथ डाल दिया भी तो आपका इंजन में जम जाएगा और आपके इंजन में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, बहुत ही नुकसान हो जाएगा आपको। बाकी के जो यूट्यूबर हैं उन्होंने ऐसा कोई टेस्ट करके नहीं दिखाया है, वो बोलते हैं कि पानी डाल ही देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि पानी जो है वो गुड कूलिंग एजेंट है, किसी भी चीज़ को ठंडा करना है तो हम उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंट है। कूलेंट में 3 प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, वो भी प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी होती है कूलेंट का बॉइलिंग पॉइंट को हाई कर देना, दूसरी होती है एंटी रस्ट, आपके रेडिएटर और गेट गास्केट को जंग नहीं पकड़ने देना, और तीसरी होती है एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज यानी ठंडे इलाके में कूलेंट को जमने नहीं देना। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ कूलेंट में नहीं है तो कूलेंट किसी काम का नहीं है। आप जिधर भी रहते हैं उधर के टेम्परेचर के हिसाब से आप कूलेंट यूज करो। अगर आप ठंडे इलाके में से हो जिधर टेम्परेचर -degree होता है, हाँ आप प्री मिक्स एंटी फ्रीज नहीं तो कॉन्सनट्रेट एंटी फ्रीज कूलेंट यूज करो। अगर आप सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया से है तो उधर टेम्परेचर कभी 25 के नीचे जाता ही नहीं, उधर आप कौन सा भी कूलेंट यूज कर सकते हैं, अपने को चाहिए ऐसा। पानी का रेशियो कम ज़्यादा हुआ तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो यूट्यूबर्स ने बताया कि पानी कूलेंट में डाल ही देना चाहिए, तुम अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर ऐसा लो ग्रेड का कूलेंट मिल गया आपको तो क्या इसमें पानी ऐड करना ठीक रहेगा, या ऐसा कूलेंट को प्योर ही कॉन्सनट्रेटेड कूलर डाल देना ठीक है, कमेंट करके मुझे नीचे बताइए। इस वीडियो का अगला पार्ट मैं दूसरा वीडियो बनाएगा, उसमें मैं बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को भी दिखा दूंगा, पानी डाल के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है और कॉन्सनट्रेट कूलेंट डाल के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।